एवरीवन, मेरे चैनल में आप सभी को स्वागत करती हूँ। गुड मॉर्निंग सभी को मेरी तरफ से। और यहाँ पे देखिए सुबह के समय है, अभी 6 बजे हैं सुबह के और मैं निकल गई हूँ कहीं जाने के लिए। हस्बैंड जा रहे हैं मुझे छोड़ेंगे। एक्चुअली हम जा रहे हैं लावण्य भाभी के घर, वहाँ से फिर लावण्य भाभी, लक्ष्मी दीदी, भैया सब जा रहे हैं, उनके साथ मैं जाऊंगी, हस्बैंड नहीं जाएंगे। तो आज एक्चुअली एक मैरिज अटेंड करने के लिए जा रहे हैं। चलिए हमारे साथ आप भी अटेंड करेंगे। तो चलिए अभी उनके घर के आसपास हम पहुंच गए हैं। चलिए वहां पहुंचने के बाद आपको सभी से मिलवाऊंगी। अभी हम लावण्य भाभी के घर के पास पहुंच चुके हैं और यहाँ सभी से मिल लीजिए। अभी वो लोग भी निकल चुके हैं जाने के लिए, लक्ष्मी दीदी, लावण्य भाभी और भैया और लक्ष्मी दीदी के हस्बैंड। तो चलिए अभी चलते हैं। अभी करीब 6:30 ऐसे बजी है सुबह की और जल्दी निकलेंगे क्योंकि जहाँ पे हम जाएंगे वहाँ पहुँचते मतलब वहाँ पहुँचने के लिए हमें 3 से 3.5 घंटा जरूरत पड़ेगी, मतलब लग जाएगी उसी लिए। और ये एक्चुअली हस्बैंड जी नहीं जा रहे हैं क्योंकि बेटा का एग्ज़ाम है, वो नहीं जा रहा है, उसी लिए वो भी नहीं जा रहे हैं। और इस बीच बहुत सारे फंक्शंस भी हो गए हैं तो बहुत बार दुकान बंद हो चुका है, उसीलिए वो जाने के लिए मना कर दिए। फिर ये लोग जा रहे तो थे उसीलिए मैं उन लोगों के साथ निकल चुकी हूँ जाने के लिए। अभी निकल जा रहे हैं और सभी से मिल लीजिए। और जब ये सब मिलते हैं मेरे हस्बैंड जी, भैया सभी, बहुत ही ज़्यादा मजाक होती है उन लोगों के बीच। अभी हम सब गाड़ी में बैठ रहे हैं जाने के लिए और चलिए अभी चलते हैं। एक्चुअली हम जा रहे हैं सैरोगढ़, मेरे एक जेठ जी हैं, उनका बेटा का शादी है, सभी को भाई भाई करके जा रहे हैं। और यहाँ पे लक्ष्मी दीदी, मैं और लावण्य भाभी, ज़्यादातर शादियाँ हम तीनों ही जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आती है। और जब हस्बैंड लोगों कोई भी नहीं जाते हैं तो हम तीनों जब भी ज़्यादातर हम तीनों ही जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़ा कर कर के जा रहे थे। अभी हम रास्ते में रुके हैं तो यहाँ पे भैया लेके आए हैं कुछ कुछ स्नैक्स खाने के लिए। और अभी हम आधे रास्ते में रुके हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए क्योंकि जाते जाते थोड़ा लेट हो जाएगा तो तब तक भूखा रहेंगे तो ठीक नहीं रहेगा, उसीलिए घर से ही लेके आ गए थे। अभी यहाँ पे ब्रेकफास्ट करके फिर हम निकल जाएंगे। आज एक्चुअली साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट लेके आए हैं, सक्कू और बेसन चटनी, फिर ये जो है नारियल का चटनी, खा के यहाँ से फिर निकलेंगे। और इस तरह खाना हमें तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो चलिए पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं फिर चलते हैं। अभी हम सैरोगढ़ पहुंच गए हैं और जहाँ पे हमें जाना था उस जगह में पहुंच गए हैं। शादी के मंडप में आ चुके हैं और यहाँ पे सभी ब्रेकफास्ट कर रहे थे, हमें भी ब्रेकफास्ट करने के लिए बोले तो हम थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट किए क्योंकि हम तो रास्ते में ही ब्रेकफास्ट करके निकल चुके थे। और यहाँ पे गर्मा गर्म कॉफी बना के दे रहे थे कुल्हड़ में, तो सभी यहाँ पे कॉफी का आनंद ले रहे हैं। लेकिन कॉफ़ी बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, अच्छा नहीं लगा। हम सब कुल्हड़ में मतलब मिल रहा था तो शौक से ले गए। और यहाँ पे देखिए जिनके शादी हो रहे हैं उनके घर पहुँच गए हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं और यहाँ पे जल्दी जल्दी फ्रेश हो जाते हैं। एक्चुअली बारात जो है वो निकल चुकी है, अभी हम इनके घर आए हैं, फ्रेश होके साड़ी वगैरह चेंज करके फिर निकल जाएंगे। तो चलिए जल्दी जल्दी फ्रेश होके निकलते हैं, फिर आप सभी से मिलूंगी।
यहाँ पे देखिए हम तैयार हो चुके हैं, लावण्या भाभी और लक्ष्मी दीदी में मैं भी तैयार हो चुकी हूँ। हम सब निकल रहे हैं अभी, भारत जहाँ पे जा रही है वहाँ तक जाएंगे। तो चलिए चलते हैं भारत के पास। और यहाँ पे देखिए ये है सैरोगढ़ा गांव, मेरे पीछे आप सभी देख सकते होंगे। एक्चुअली मैं बहुत कुछ यहाँ पे रिकॉर्ड की थी लेकिन वह सब मतलब डिलीट कर ली हूँ। और यहाँ पे देखिए भारत पहुंच गए हैं, भारत के पास। यहाँ पे देखिए सारे रिलेटिव्स भी आ चुके हैं, यहाँ पे सब है। और यहाँ पे डांस वगैरह चल रही है। एक्चुअली ये जो वीडियो है कुछ दिन पहले का है, मैं एक्चुअली इस बीच बिल्कुल एडिट करने के लिए मुझे टाइम नहीं हो रहा था, उसीलिए बहुत सारे वीडियोज हैं मेरे पास। अभी मैं जो गई थी मायके वहाँ का भी वीडियो है, और मैं गई थी ढेंकानाल दीदी के पास वहाँ का भी वीडियो सारा बाकी है। तो चलिए अभी बारात को थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं। बारात अभी मंडप के पास पहुंच गई है और बहुत ही ज्यादा धूप हो रही थी, तो हम आ चुके हैं अंदर, यहाँ पे बैठ के गप्पे मार रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा था इस समय। और बारात बाहर खड़ी है लेकिन बहुत ही ज्यादा धूप के कारण हम नहीं गए। और वहाँ पे सारे डांस भी कर रहे हैं, इतना ज्यादा डांस कर रहे हैं, तो फिर हम अंदर आ चुके हैं। बहुत ही ज्यादा आज धूप हो रही है। और यहाँ पे दुल्हन से मिल लीजिए, बहुत ही प्यारी लग रही है दुल्हन। और अभी थोड़ी देर बाद वरमाला भी होगी, तो चलिए वरमाला को एंजॉय करते हैं। वरमाला के बाद अभी हम आ चुके हैं जहाँ पे रिसेप्शन हो रही है, उनके घर से थोड़ी दूर में हो रही है रिसेप्शन। तो चलिए अभी अंदर चलते हैं। अभी करीब दोपहर के 1 बज चुके थे, उसीलिए हम यहाँ पे आ चुके हैं। और यहाँ पे दूल्हे के पापा और दूल्हे के भाई वगैरह हैं सभी को रिसीव करने के लिए। और यहाँ पे सभी के साथ फोटो भी मैं क्लिक कर रही हूँ। और लक्ष्मी दीदी जो है दूल्हे के पापा के साथ बहुत ही मजाक लगती है, वो दोनों यहाँ पे मजाक कर रहे थे। और अंदर चलते हैं फिर देखते हैं। अभी खाना पीना भी शुरू हो चुका होगा और सेल्फी पॉइंट भी बहुत जगह बनी थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और बहुत ही सुंदर सजावट हुई है, बहुत ही भीड़ भी थी। और यहाँ पे बहुत सारे फोटोज वगैरह लिए, फिर कुछ कुछ स्नैक्स वगैरह हम यहाँ पे खाए। अब तक हमें भी थोड़ी बहुत भूख लग गई थी। फिर हम आ चुके हैं यहाँ पे, फिर से वरमाला हो रही है, इसे देखने के लिए आ चुके हैं। अच्छा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा सुंदर सजावट हुई है, बहुत ही बड़ा था एरिया तो उसलिए अच्छा लग रहा था। तो चलिए इस मोमेंट को भी एंजॉय करते हैं।
भी हम आ चुके हैं मंडप के ऊपर दूल्हा दुल्हन को मिलने के लिए और उन्हें गिफ्ट भी दे दिए। उसके बाद अभी हम उनके साथ फोटो वगैरह लेते हैं और इस फोटो वगैरह लेके फिर हम जो कुछ कुछ रिलेटिव्स आए थे उनसे मिलके फिर हम निकल जाते हैं। और ये देखिए, ये छोटू को आप मेरे वीडियो में देखे भी होंगे, पहले भी 2-3 वीडियो में बहुत ही प्यारी लग रही थी, तो उसका भी मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड कर ली हूँ। और इसके बाद हम घर की ओर निकल जाते हैं और यहाँ पे देखिए पानी का बॉटल लेके आए हैं रास्ते में पीने के लिए। और यहाँ पे कॉमेडी भी चल रहा है और चारों ओर पूरा खेती खेत है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गन्ना उगाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पे पास में ही एक शुगर मिल है, उसके लिए यहाँ पे बहुत सारे गन्ने उगाए जाते हैं। और यहाँ पे पानी का बोतल सभी दो दो पकड़े हुए हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा धूप हो रही थी। और यहाँ पे देखिए गन्ना इकट्ठा कर रहे हैं। जब हम इनका रिकॉर्ड कर रही थी मैं, तो फिर हम मुझे पूछ रहे थे क्यों हमारा रिकॉर्ड कर रहे हो करके। यहाँ पे देखिए कितने सारे गन्ने, ये सारे गन्ने जो हैं राइस में, सॉरी, ये सारे जाएंगे शुगर मिल में। तो हम सबको ये सारी चीज़ देखने को बहुत ही कम मिलती है, तो मज़ा भी आ रहा था देखने के लिए। अभी हम निकल चुके हैं घर की ओर, सभी अभी टायर्ड दिख रहा होगा सभी के फेस में। और यहाँ पे थोड़ी दूर में हम मोर भी देखते हैं। एक्चुअली यहाँ पे बहुत सारे मोर हैं, मुझे पता भी नहीं था इस तरफ मोर ज़्यादातर दिखने को मिलती है करके। फिर गाड़ी के सामने से ये मोर क्रॉस की तो मुझे अच्छा लग रहा था इसे देखने के लिए, तो थोड़ी रिकॉर्ड कर ली हूँ। बहुत सारे मोर देखे लेकिन एक ही मैं रिकॉर्ड कर पाई। हमारे गाड़ी के सामने से ही क्रॉस कर रहे थे, उड़ के दूसरी तरफ आ रहे थे, उस समय मैं कैमरा भी ऑन नहीं की थी, उसीलिए एक ही मोर को दिखा रही हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा था, मुझे पता नहीं था उड़ीसा में भी ऐसा ही, मतलब मैं कभी देखी नहीं थी। और यहाँ पे ये जो है ऋषिकुल्या नदी, नदी को क्रॉस करके हम जाएंगे। चलिए अभी घर की ओर चलते हैं। अभी हम घर भी पहुंच गए हैं और अभी करीब रात के 9 या 9:30 बज रहे थे। हस्बैंड जी आए थे मुझे लेने के लिए, तो सभी से विदा लेके फिर मैं घर की ओर निकल चुकी हूँ। और बहुत ही ज़्यादा मज़ा लगा आज सभी के साथ। एक्चुअली जाने आने में रास्ता में जो मज़ा की वो बहुत ही अच्छा लगा। तो चलिए अभी इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलेंगे और एक नए और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। जय जगन्नाथ, जय माता दी, साई राम। फिर मिलेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा अगर मेरे चैनल में नए हैं तो, और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। फिर मिलेंगे और एक नए और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। बाय बाय।